अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज ईद उल फितर का दिन और तमाम मुसलमान ईदगाह की तरफ जाते हुए ईदगाह में 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। लिहाजा तमाम मुसलमान बड़ी तादाद में ईदगाह की तरफ जाते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वली ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वली ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी कायदात में लोग ईदगाह की तरफ पूरे महीने के सौम सलात के बाद ईदगाह की तरफ देख सकते हैं कितने खूबसूरत मंजर शहर बेलगाम के मुसलमान अगर बेलगाम शहर की बात की जाए तो मुसलमानों की बढ़ती तादाद और ईदगाह की जगह छोटी होती नजर आ रही ईद की नमाज 9:30 बजे होगी, इस तरह का ऐलान किया गया है। ईद का दिन शुक्र का दिन है, इस्तिग़फ़ार का दिन है, उसी तरीके से ये इंसानियत की गमगुसारी का हमदर्दी का दिन है। हमारा एक भाई वहाँ पर अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरीके से ताउन करें, इस तरीके से ताउन करें कि जो जालिम उनके ऊपर टूटे हुए हैं उन जालिमों का हम ताउन ना करें। वला ताउनु अलल इस्मि वल उदवान, गुनाह के कामों में तुम मदद मत करो। गोया हमारे जिम्मे ये वाजिब और जरूरी है कि हम इसराइल का प्रोडक्ट और उनकी मसनूआत को बिल्कुल बायकॉट करें। सिर्फ ठंडा और पेप्सी ही उनका मसनूआत नहीं है, आप जाकर देखें व्हाट्सएप पर हमारे नौजवान भेज रहे हैं मुस्तकिल क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं। उन तमाम ही प्रोडक्ट से हम जो है अपने आप को दूर रखें, हराम समझें, नाजायज समझें। الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم
हौसला अता फरमा अल्लाह फलस्तीनी भाइयों का अल्लाह ईमान पर इस्तेकामत अता फरमा अल्लाह फलस्तीनी और गाजा की मदद और नुसरत फरमा अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा अल्लाह उनके बच्चों और औरतों की हिफाजत फरमा अल्लाह उनके सब्र जमील को कबूल फरमा अल्लाह फलस्तीन गाजा में अमन व अमान अता फरमा अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा अल्लाह इसराइलियों को मालामाल कर दे अल्लाह ज़ालिमों को अल्लाह ख़त्म फरमा अल्लाह अगर उनके हक में अल्लाह हिदायत है तो हिदायत फरमा अल्लाह अगर हिदायत नहीं है तो अल्लाह उनको चुन चुन कर खातिमा फरमा الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فرح الصائمين إن الإفطار بعظيمة ذات الألباب
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما بمتحبه وتقرب الله भाई का भाई उसका आज पढ़ चुके हैं वो आराम से जाए कोई गड़बड़ ना करे। आपके लिए होटल का दरवाजा भी खुला है वहीं से भी जा सकते हैं। हाजरीन मेरे साथ मिलकर के तकबीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। अलैकुम मेरे भाइयों, सभी को ईद मुबारक। इस ईद के खुशी के साथ साथ एक दिल में गम भी है कि हमारे फलस्तीन के बच्चे हर रो ना ईद मना सकते हैं, ना कुछ खा सकते ना पी सकते हैं। और हम इस देश में है और हमारी मजबूरी है कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम उधर जाकर कुछ उनको मदद नहीं कर सकते। इसलिए जो छोटा सा एक इजाज़ा हम ये कर रहे हैं, हम इसराइल को नाश कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट ना खरीद के। तो मेरे बेलगाम के भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी होटल्स है कोल्ड ड्रिंक शॉप्स है, ये इसराइल की चीज़ें ना रखे और ना ही कोई खरीद के पिए, क्योंकि इसे खरीदने वाला हमारे मुसलमानों को भाई खून खरीद कर पिए जैसा है और हमारे मुसलमानों का खून बेचे जैसा है। इसलिए हम छोटा सा आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम एक टीम बना के भी पूरा फील्ड वर्क करके सभी शॉप्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें ना रखे, क्योंकि इनके फाइनेंशियल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये इंशाल्लाह ज़रूर तबाह हो जाएगा इसराइल। इसलिए हम फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह दुनिया भर के सभी लोगों, कोई खास जात पात नहीं है, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक है। और ख़ास करके यही कहूँगा कि जितने मुसलमानों ने दुनिया भर में अपने रोज़ों से अपने दुआओं से सबके लिए सुख चैन शांति और खुशहाली मांगी है, वो अल्लाह दुआएं कबूल करें। हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके रहें, हर मज़हब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेके, जैसे कि अपना ही त्यौहार है, वो खुशी को हज़ार गुना बढ़ाएं। चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे बौद्ध पूर्णिमा हो, जो भी हो ये दुनिया सबकी है और सबको जाना ही है। जाने से पहले जितने नेक काम कर सकें, जितनी अच्छाई बांट सकें, जितना प्यार बांट सकें, जितना प्यार ले सकें उतना लेने की कोशिश करें। अल्लाह आसान करे ज़िंदगी हर एक की, किसी को मोहताज ना रखे, किसी को भूखा ना सुलाए, यही हम सबकी दुआएं हैं। आप सबको रमज़ान ईद के ईद उल फितर के बहुत 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 मुबारक, बहुत बहुत खुशियाँ।
सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने पूरा महीना रोज़ों में, नमाजों में, दुआ में, ज़कात में, सकावत में पूरा महीना हमने बिताया है। आज ईद का मौका है, ईद का दिन है, तो आप सब खुशी मना रहे हैं, हम सब के साथ में खुशी मनाएंगे। और इस्लाम यही सिखाता है हमें कि गरीबों की मदद करो, कोई जात धर्म नहीं देखता है। जो भी गरीब है, जो भी ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करो। हम सब मिलके वैसे ही करेंगे और वैसे ही रहेंगे, सब अमन और शांति से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, ये और एक बार ईद मुबारक। आखुदा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईद मुबारक देना है तो मेरे लिए पर्सनल से और मेरे डिपार्टमेंट भी सब लोग ईद मुबारक विशेष देना पड़ेगा। और आज सब लोग और उनका और वो लोग का फैमिली भी ये ईद मुबारक विशेष और एक बार में दे दूँगा। थैंक यू। सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे सभी की दुआएं कबूल हो, हम सब अमन से, शांति से सब मिलजुल कर रहें, दुनिया भर की तकलीफें आसान हो, हमारा देश ऐसे ही रहे। परसों गुड़ी पड़वा भी हुआ, उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे भाइयों को। ईद उल फित्र की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक आप सभी को। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद मुबारक और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही विश है कि हम सब एक साथ रहें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन या जो भी हो, एक साथ रहें जैसा हम हमेशा रहते आए हैं, और हमेशा एक साथ खुश रहें, एक साथ मुश्किल जो भी आए हमें हम उसको फेस करते रहें। और हम उन सब के लिए भी दुआ करें जो इस वक्त मुश्किल में हैं, जिनको हमारी दुआ की सख्त ज़रूरत है और हमें उनके लिए दुआ करने की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। मुसलमानों को और भी जितने भी लोग हैं सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद। और उम्मीद है कि आज ईद के दिन सब मुसलमान और हिंदू भाई सब मिलजुल के त्यौहार को मनाते हैं, और आने वाले भी साल हम हर साल ऐसे ही मिलजुल के त्यौहार बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बेलगाम और पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को अंजुमन की तरफ से और बेलगाम के मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं बस इतना कहूँगा कि आने वाले वक्त में पानी की कमी है, सब लोग संभाल कर पानी वापरें और अल्लाह से दुआ करेंगे जल्द से जल्द बेलगाम और पूरी हिंदुस्तान में बारिश हो। न्यूज़ अपडेट है, ये जा।